ओह शिट 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 शिट, लगता है ड्रोन, क्या लगता है ड्रोन क्रैश हो गया। मैं भाग के आता हूँ, फटाफट ड्रोन लेके आता हूँ, तब तक आप वीडियो को एंजॉय करो। आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। फटाफट लेके आ रहा हूँ ड्रोन, तब तक आप वीडियो एंजॉय करो और मैं आपसे मिलता हूँ विद इन सेकेंड्स। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज किस वीडियो में हम देखेंगे रायपुर वाईजैग इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट अपडेट। आज का वीडियो दोस्तों हो सकता है स्पेशल और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दें, लास्ट वीडियो में कमेंट आया था मुझे, लोग ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आखिर ये एक्सप्रेस वे स्टार्ट कहाँ से होता है। वैसे एक्सप्रेस वे अवनपुर से स्टार्ट होता है ये तो सभी को पता है, बट अवनपुर में कहाँ से स्टार्ट होता है ये देखने वाली बात है। तो ये सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही दिखाते हैं, अवनपुर में किस लोकेशन से ये रायपुर वाईजैग एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, अगर आप अवनपुर आने वाले हैं या जाने वाले हैं या फिर इस एरिया में ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे। रायपुर अवनपुर रोड, जिसको कि हम नेशनल हाईवे नंबर 30 के नाम से जानते हैं, जब आप रायपुर से आएंगे तो अवनपुर शहर स्टार्ट होने से पहले ही आपको दिख जाएगा रायपुर वाईजैग एक्सप्रेस वे का स्टार्टिंग पॉइंट। जी हाँ, इसी जगह से स्टार्ट होने वाला है रायपुर वाईजैग एक्सप्रेस वे। लेटर ऑन इसे नेशनल हाईवे नंबर 30 से कनेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आगे ये चला जाएगा ऑल द वे टू विशाखापट्टनम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अवनपुर आने और जाने वालों के लिए मैं दिन बताने वाला हूँ खुशखबरी। वैसे खुशखबरी थोड़ी पुरानी भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि मैं रायपुर वाईजैग एक्सप्रेस वे को शूट करने गया और मुझे पता चला कि यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा था उसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है पूरा। इस वजह से रायपुर जाने के लिए या फिर रायपुर से अवनपुर क्रॉस करके अगर मुझे आगे की तरफ जाना है तो मुझे अवनपुर शहर के अंदर से होकर आना पड़ता था, और वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डस्ट, ट्रैफिक, बहुत ही वाहियात रास्ता है वो। बट अब क्योंकि नया ब्रिज बन चुका है तो उस डस्ट और ट्रैफिक से आप सभी को छुटकारा मिलने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आसपास के लोगों के लिए काफ़ी डेफिनेटली एक खुशखबरी है। चलिए अब देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट अपडेट रायपुर वाईजैग एक्सप्रेस वे का। और इस वीडियो में हम सिर्फ पैकेज वन का ही अपडेट देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पैकेज टू का भी अपडेट दिखाऊंगा। पैकेज वन दोस्तों कंस्ट्रक्ट कर रही है शालीमार कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर शालीमार कॉर्प लिमिटेड आप कह दीजिए। पैकेज वन का टोटल डिस्टेंस है 42.852 किलोमीटर का। अवनपुर से स्टार्ट होकर पैकेज वन मागर लोड तक जाता है, मागर लोड से आगे फिर पैकेज टू और पैकेज थ्री। छत्तीसगढ़ में वैसे टोटल 3 ही पैकेज बनने वाले हैं रायपुर वाईजैग एक्सप्रेस वे का, बाकी का पैकेज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बनेगा। पैकेज वन में जैसा कि आप देख सकते हैं अर्थवर्क का काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। वैसे काफ़ी जगह पर देखा जाए तो अर्थवर्क का काम कंप्लीट भी हो चुका है, बट अब क्योंकि एक्सप्रेस वे को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी कमेंट करना ठीक नहीं होगा कि कंपनी कैसा काम कर रही है, काम स्लो हो रहा है या फिर तेज़ हो रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। पैकेज वन दोस्तों लंबा है, ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना और ड्रोन फ्लाई करना अपने आप में एक चैलेंज है। ऊपर से गर्मी ने अलग परेशान किया हुआ है, आपको पता है आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 42-43 समटाइम 44 डिग्री तक टेम्परेचर हो जा रहा है। इनफैक्ट आज के दिन की बात मैं आपको बताऊँ, जब मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था 2 बार हमारा ड्रोन ओवर हीट होके बंद हो गया, तो अभी इमेजिन कर सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। बट फिर भी कोई बात नहीं है, आप पैकेज वन का अपडेट को एंजॉय कीजिए। एक बात और आपको बता दें, लास्ट टाइम जब हमने पैकेज वन का अपडेट दिया था, कुछ लोग ये जानने में भी इंटरेस्टेड थे कि पैकेज वन क्रॉस करता है महानदी रिवर को, मागर रोड के पास दोस्तों महानदी रिवर को ये रायपुर वाईजैग एक्सप्रेस वे का पैकेज वन छत्तीसगढ़ में क्रॉस करने वाला है। तब सीधी सी बात है, जहाँ पर नदी को क्रॉस करेगा वहाँ पर नदी का ब्रिज भी बनेगा, तो काफ़ी सारे लोग उस जगह को भी देखना चाहते थे कि महानदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पे कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो अब ये देखते हैं महानदी के ऊपर बनने वाले ब्रिज का प्रोजेक्ट अपडेट। और ये पूरा जो एरिया है दोस्तों, ये पैकेज वन के अंडर ही आता है। महानदी क्रॉस करने के थोड़ी देर के बाद पैकेज वन एंड हो जाता है और वहाँ से आगे पैकेज टू स्टार्ट होगा। पैकेज टू के बारे में फिर किसी दिन और आगे बात करेंगे। तो करेंटली जो अपडेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अपडेट है महानदी रिवर के पास। अब देखिए, करंटली महानदी रिवर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आई मीन इस लोकेशन पे ये नदी
बिल्कुल तरीके से ड्राई है। वैसे ये एक अच्छी बात भी है, ड्राई है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और ज़्यादा जल्दी भी इस ब्रिज को बना पाएंगे। अब इस ब्रिज का लेंथ कितना होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, बट इतना पता है कि ये एक 6 लेन ब्रिज होगा। बट जब ये ब्रिज बन जाएगा और अगर नदी में पानी आ जाता है तो डेफिनेटली ये ब्रिज देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। रायपुर वाजा एक्सप्रेस वे का जो बेसिक डिटेल्स है दोस्तों, कितने के लिए कितने किलोमीटर लंबा है, कौन से शहर कौन से स्टेट में कितने किलोमीटर्स का पैकेज है, वो सब कुछ मैं इससे पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो उन सारी चीज़ों को बता के अननेसरी वीडियो को ज़्यादा लंबा करके कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आया होगा पसंद। पैकेज वन को यहीं पर करते हैं समाप्त, पैकेज वन वैसे एंड भी यहीं पर हो रहा है। तो हमने पैकेज वन का स्टार्ट और एंड दोनों आपको दिखा दिया है। अगली वीडियो में आपको पैकेज टू का भी अपडेट आपको दिखाएंगे। पैकेज टू और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पैकेज टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से होके गुजरता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो को बनाते बनाते एट द एंड हमारा ड्रोन दोस्तों हो गया क्रैश। ड्रोन क्रैश होने का रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि हमने ड्रोन को फ्लाई तो किया, बट जब मैं ड्रोन को वापस ला रहा था तो क्योंकि विंड जो है ड्रोन के अगेंस्ट चली गई और बैटरी हमारा बहुत जल्दी डेड हो गया। और क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसे क्रैश लैंडिंग हमें करना पड़ा एक लोकल एरिया में, और वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। ड्रोन को फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ड्रोन की लोकेशन तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूरा एरिया जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन का एरिया है और हर जगह पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती नहीं है। खैर आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।